दो दिन पहले सीएम योगी के सबसे बड़े दुश्मन की कहानी का अंत हुआ कि इधर 72 घंटे भी नहीं बीते थे कि यूपी में एक और बड़ा खेल हो गया। लखनऊ कोर्ट में गोलियों की तड़तड़ाहट से हिल गया पूरा उत्तर प्रदेश। आतिक अहमद की तरह फिल्मी अंदाज में हुई बदमाश की सरेआम हत्या। 90 के दशक से संजीव मुख्तार अंसारी मुन्ना बजरंगी गैंग में था शामिल। साल 2023 यूपी के माफियाओं बदमाशों के लिए बन रहा बहुत बड़ा काल। जी उधर दो दिन पहले योगी के सबसे बड़े दुश्मन की कहानी का अंत हुआ, इधर 72 घंटे भी नहीं बीते थे कि पूरा लखनऊ हिल गया। प्रदेश की राजधानी में बड़ा खेल हो गया। योगी बाबा लखनऊ में कर रहे थे बैठक की उधर एक खबर आई और बीच बैठक में ही बाबा इस खबर को सुनकर सन रह गए। योगी के सबसे बड़े दुश्मन गैंग के सबसे करीबी का भी खेल खत्म हुआ। वकील की ड्रेस में कोर्ट में घुसकर ऐसी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई कि बस कुछ ही मिनट में यूपी में एक और बड़े बदमाश का खेल खत्म हो गया। कुछ ही सेकंड में फिल्मी अंदाज में ऐसा शूट आउट हुआ कि खून के छींटे देख और गोलियों की तड़तड़ाहट देखकर हर कोई दंग रह गया। 90 के दशक से प्रदेश में आतंक का पर्याय रहा पश्चिमी यूपी का यह बदमाश कुछ ही सेकंड में परलोक सिधार गया। इस बदमाश की कहानी का खात्मा होने पर पूरा यूपी खुशी से झूम उठा। फिर आनंद फानंद में लखनऊ कोर्ट में बढ़ाई गई सुरक्षा। योगी से दुश्मनी करने वालों, प्रदेश की नाक में दम करने वालों की अब बिल्कुल भी खैर नहीं। योगी बाबा के प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं। 2023 में ही होगा सारे माफियाओं और बदमाशों का खेल खलास। योगी ने ठाना है प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है। 2023 बन गया है अपराधियों के लिए बहुत बड़ा काल। हर महीने हो रहे बड़े बड़े बदमाश और माफियाओं का खात्मा, ये योगी राज है, बच के रहना रे बाबा। लखनऊ में इस शूटआउट से पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई है। योगी ने तुरंत आदेश देते हुए राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है। इस साल एक एक कर यूपी में अब बदमाशों का खेल खत्म हो रहा है। यूपी में अपराधियों का या तो यूपी पुलिस द्वारा या एसटीएफ के द्वारा या फिर उनके किसी दुश्मन के द्वारा ही अब खेल खत्म हो रहा है। बताते चले कि अभी दो दिन पहले 32 साल पुराने मामले में यूपी के सबसे बड़े डॉन माफिया और योगी के सबसे बड़े दुश्मन मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी कि इधर 72 घंटे भी नहीं बीते थे कि मुख्तार के करीबी और पश्चिमी यूपी में बदमाशी रंगदारी का खेल खेलने वाला सबसे बड़ा बदमाश संजीव जीवा की भी प्रदेश की राजधानी में पेशी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव फरुखाबाद में 10 फरवरी 1997 को हुई पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर जरायम की दुनिया में अपनी सुर्खियों में आया था। यही से उसकी कुख्यात मुन्ना बजरंगी से नजदीकियां भी बढ़ी थी। इसके साथ साल 2005 में गाजीपुर के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित 6 लोगों की हत्या में बजरंगी और जीवा को पुलिस ने आरोपी बनाया था। बता दें कि भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने ही यूपी के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी मायावती की सहायता की थी। संजीव का नाम AK-47 बेचने में भी आया था और संजीव का नाम प्रदेश की माफिया सूची में भी था। साथ ही पश्चिमी यूपी में भाटी गैंग को भी देखता था। इसका नाम हत्या, वसूली और कई बड़े अपराध में भी शामिल था। संजीव की पत्नी ने कुछ दिन पहले अपने पति की सुरक्षा की भी मांग की थी। पुलिस घेरे में कोर्ट में पेशी पर आए संजीव की हत्या जिस तरीके से और जिस अंदाज में और जिन लोगों ने की, वो सभी बदमाश आतिक अहमद की हत्या के आरोपी बदमाशों की तरह ही एक वेशभूषा में आए थे, यानी वकील बनकर आए थे। वही बताते चले कि हाल ही में मुजफ्फरनगर में जीवा की संपत्ति भी जब्त की गई थी। संजीव की पत्नी के नाम महावीर चौक पर 4 करोड़ का कॉम्प्लेक्स भी था जिस पर बुलडोजर गर्जा था। फिलहाल इस हत्या के आरोपी की पहचान हो चुकी है जिसका नाम विजय यादव है, जो जौनपुर जिले का है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और इस हमले में एक सिपाही लाल मोहम्मद भी घायल हुआ है। हमले में 1.5 साल की बच्ची भी घायल हो गई।